स्विचिंग तो हुआ नहीं है इसके अंदर, तो ये एलडीओ ही कहलाएगा। और यहाँ पे स्पेशली एक ग्राउंड है जो मॉस्फेट उसके लिए ड्राइव है। 16 में क्या है, S5 सिग्नल इनपुट, और 17 में क्या है, S3 सिग्नल इनपुट। NIPTIA Technology Advanced Chip Level Laptop Repair Training Institute. आज हम लोग पढ़ेंगे रैम रेगुलेटर। किसी भी आईसी को काम करने के लिए क्या क्या चाहिए, पहले तो चाहिए ये ग्राउंड, ठीक है। इसके अलावा क्या चाहिए, पावर। तो इस आईसी के ऊपर देखेंगे ध्यान से, तो पावर 19 वोल्ट भी हो सकता है और 5 वोल्ट भी हो सकता है। यहाँ पे लिख देते हैं, या तो 19 वोल्ट होगा या तो 5 वोल्ट होगा, या तो दोनों भी हो सकता है। 19 वोल्ट होगा, 5 वोल्ट होगा, या तो दोनों ही हो सकता है। मतलब ये हो गया फर्स्ट नंबर और ये हो गया सेकंड नंबर। ओके, आईसी का नंबर है 51716। इस आईसी के अंदर एक मोड पिन है, मोड सेलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा के, या इसको कुछ करना नहीं है, बस खाली आपको रजिस्टर की वैल्यू चेक करना है मोड। लेकिन मोड से पहले क्या चाहिए, मोड से पहले चाहिए कि जब पावर मिला, ग्राउंड में मिला, तो आपको कोई ना कोई इनेबल चाहिए, ठीक है, तभी तो इसका इंटरनल वर्क करेगा। तो मोड तो ये तो बाय डिफॉल्ट है, लेकिन हम लोग कंसिडर करेंगे किसको, इनेबल को। ये समझ लीजिए कि आपका वी इन हो गया, ये 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। 3 नंबर में क्या हो गया, इनेबल, ठीक है। 4 नंबर इसको मान लीजिए मोड। 5 नंबर में क्या होगा कि ये आईसी जो है ना, एक रेफरेंस आउट करेगा, भी रेफरेंस। ये कितना होगा, 1.8 वोल्ट। और इसी से एक रेफरेंस इन ले लेगा। इस आईसी में हम लोग सबसे ओके पहले क्या चेक करेंगे, अगर हम लोग ग्राउंड से शुरू करते हैं, जी तो ग्राउंड किधर है इसमें, सर, 7 नंबर पे सर, 7 नंबर पिन। हाँ, सब नंबर पिन है ग्राउंड, तो ये है आपका 7 नंबर पिन, ठीक है। तो इसको हो गया पहला नंबर में ग्राउंड। जी ओके, उसके बाद क्या बताया मैंने, सर, VCC। ओके तो सेकेंड नंबर में आपको ये चेक कर लेना है। ओके, तो थर्ड नंबर में क्या चेक करना है आपको, इनेबल। हाँ थर्ड नंबर में आ गया इनेबल। तो देखिए इसमें इनेबल जो है ना, दो नाम से आ रहा है, S5। एक S5 के नाम से आ रहा है और एक S3 के नाम से आ रहा है। तो बताइए पहले आप किसको चेक करेंगे, S5 को कि S3 को। ईशान जी, पहला इनेबल इसमें कौन सा होना चाहिए, S5 सर। S5। क्यों, क्योंकि S5 पहले बनता है, जी सर। S5 स्टेट की सप्लाई जो है पहले बनती है, इसलिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे S5 का इनेबल। तो 3 नंबर में आप चेक कर लीजिए इनेबल। ओके, जी सर। ठीक है। अब फोर्थ नंबर आता है, तो देखिए फोर्थ नंबर में ये सारे नंबर के हिसाब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट ग्राउंड है, तो ये तो रहेगा ही, इसमें नंबर दें या ना दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन सबको नंबर देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको ये समझना है कि ये सारे पॉइंट वैलिड होने चाहिए। इसमें कौन कौन सा पॉइंट वैलिड होना चाहिए, मोड और ट्रिप, ये दोनों क्या है कि एक रजिस्टर लगा के ग्राउंड किया हुआ है। इसमें हम लोग नंबरिंग देंगे, तो नंबरिंग किसका देंगे, वी रेफरेंस का। तो यहाँ पे जो है एक वी रेफरेंस है, एक है रेफरेंस इन। तो ये पहले इसमें रेफरेंस आउट होगा, माने ये आउटपुट पिन है, ये आउटपुट है और ये इनपुट है। ये आउटपुट क्या है, तो यहाँ से जो भी आउटपुट होगा, तो यहाँ से 1.8 वोल्ट का आपको आउटपुट होगी, ठीक है। और इसी से ओके वोल्टेज डिवाइडर बना के यहाँ पे रेफरेंस इन ले लिया जाएगा। 4 नंबर में ये हो गया और 5 नंबर में ये हो गया। लेकिन रैम आईसी को समझने से पहले आपको एक चीज समझना जरूरी है कि रैम रेगुलेटर जो है डुअल रेगुलेटर है, मतलब ये दो स्टेट में काम करता है, दो बार इसको इनेबल मिलती है तो दो बार सप्लाई बनाता है। तो ये तो हो गया कि दो डुअल रेगुलेटर है। लेकिन अभी हमारा S5 आया है, तो जब पहला इनेबल आया
तो पहला सप्लाई बन जाना चाहिए। तो पहला सप्लाई में कौन सी सप्लाई बनती है इसका? स्विचिंग की सप्लाई। ये जब इतना इनपुट आपका पूरा हो गया, उसके बाद जो बाकी सब में होता है वही स्टेप इसमें फॉलो होंगे कि पहले बूस्ट एक्टिव होगा, हाई ड्राइव होगी, लो ड्राइव होगा, स्विचिंग होगी, यानी कि फिफ्थ सिक्स नंबर में ये सप्लाई आपको बन जाना चाहिए, जिसको हम लोग वीडीडी क्यू के नाम से जानते हैं। रैम की जी जो सप्लाई होती है वो हम लोग किसके नाम से जानते हैं? वीडीडी क्यू। अब ये जब सप्लाई बनेगा तो इसका फीडबैक भी आएगा, तो इसका फीडबैक जो आएगा वीडीडी क्यू सेंस के नाम से होता है, यानी कि सेवन नंबर में आपका हो गया सेंस। फीडबैक मिल गया, मैंने फीडबैक तक मिलने के बाद तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि अब रेगुलेटर ओके हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी के सप्लाई से, जो सप्लाई बना है इसी के सप्लाई से ये इंटरनल एक सप्लाई इनपुट ले लेता है, किसके लिए? दूसरे रेगुलेटर के लिए। जब पहला रेगुलेटर बन गया, पहले रेगुलेटर का सप्लाई बन गया, तो उसी सप्लाई से ये कि इनपुट सप्लाई ले लेता है, किसके लिए? इसके इंटरनल दूसरे रेगुलेटर के लिए, यानी कि अगर नंबरिंग के हिसाब से देखा जाए तो आठ नंबर में ये भी हो जाना चाहिए, एलडीओ इन, जी सर, ठीक है। ये सप्लाई जो है इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक और रेगुलेटर वर्क कर रहा है और उसका बीसीसी है, ठीक है। जब ये इतना हो जाएगा तो इसके बाद आपको पावर गुड रिलीज हो जाएगा। अभी बाकी सप्लाई बना या नहीं बना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पावर गुड रिलीज हो जाएगा। और पावर गुड के बारे में आपको इतना इतना आप जान लीजिए कि पावर गुड उसी के लिए रिलीज होता है जो स्विचिंग का सप्लाई है। अच्छा एलडीओ के लिए पावर गुड, या जहां पे स्विचिंग नहीं होती है उसके लिए पावर गुड नहीं होता है। मान लीजिए कहीं भी एलडीओ बन रहा सप्लाई, तो एलडीओ के लिए पावर गुड को कोई लेना देना नहीं है, जो अगर स्विचिंग होगा तो पावर गुड होगा। कंफ्यूजन? सर, सेवन नंबर को एक बार थोड़ा सा। सेवन नंबर में है वीडीटी क्यू सेंस, जी सर, ठीक है। वो सेंस क्या मतलब सेंस? कि फीडबैक। हाँ सर, अगर कोई सप्लाई बना है, आपने पढ़ा है किसी भी रेगुलेटर में कि सप्लाई बनता है तो उसको फीडबैक चाहिए होता है, फैक्ट ठीक है। तो ये फीडबैक की जगह पे यहाँ पे वीडीडी क्यू सेंस का नाम रखा हुआ है, एज ए फीडबैक ही है ये, सिर्फ अच्छा, यहाँ पे वर्डिंग चेंज है। ये स्विचिंग से फीडबैक ले रहा। हाँ, कॉयल के बाद एक फीडबैक आप लेते हैं ना रेगुलेटर के अंदर, तो कोई भी जी, रेगुलेटर पे, तो ये है आपका फीडबैक, ठीक है। एट नंबर में क्या हो गया कि दूसरे वाले रेगुलेटर का सप्लाई इन हो गया हाँ और इसके बाद पावर गुड आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अभी पावर गुड रिलीज हुआ तो मतलब इसका कहेंगे कि इसका रेगुलेटर सेक्शन ओके हो गया। तो इसके बाद अब सेकेंड वाला इनेबल आएगा, टेन नंबर में हो गया सेकेंड इनेबल, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो आउटपुट है, एक आउटपुट है वीटीटी और एक आउटपुट है वीटीटी रेफरेंस, ठीक है। ये दोनों आउटपुट निकलेंगे, एलेवन नंबर में ये हो गया, ट्वेल्व में ये हो गया, इसका भी सेंस हो गया थर्टीन में। अब बच गया कोई भी पिन? कोई पिन नहीं बचा। ये जो तीन काम हुए, एलेवन, ट्वेल्व और थर्टीन, ये कब होगा? दूसरे वाले इनेबल आने के बाद। जी क्या चेक करना हम लोगों को? सबसे पहले पिन नंबर वन, पिन नंबर वन के ऊपर वीटीटी क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पे देखिए पिन नंबर वन कनेक्टेड किससे है? पिन नंबर वन कनेक्टेड है वीटीटी से, ठीक से। है। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है? वीटीटी सेंस, यानी कि फीडबैक। मैंने अभी बताया कि यहाँ पे फीडबैक की जगह पे सेंस का इस्तेमाल किया है कि वीटीटी बनेगा तो उसका फीडबैक ले लेगा। तो वीटीटी सेंस क्या है कि फीडबैक है वीटीटी का, जो वीटीटी की जो आउटपुट सप्लाई है उसका फीडबैक है। तो अगर इन दोनों में अगर आपको समझना हुआ कि पहले कौन और बाद में कौन, तो कैसे पता लगेगा? पहले क्या निकलेगा? वीटीटी हाँ, पहले वीटीटी निकलेगा, उसके बाद ही वीटीटी सेंस होगा। आप लोग भी लिख लीजिए इसको। अब कोई पूछेगा कि वीटीटी का वोल्टेज कितना होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? वीटीटी क्यू का हाफ। हाँ, तो जितना वीटीटी क्यू का वोल्टेज होगा उससे आधा वीटीटी का वोल्टेज होगा, ओके। अब है कौन सा? पिन नंबर टू। पिन नंबर टू क्या है? वी एल डी ओ इन, पिन नंबर टू यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए पिन नंबर टू किससे कनेक्टेड है? वीडीडी क्यू से, यानी कि वीडीडी क्यू पे कब सप्लाई आएगा? जब स्विचिंग हो जाएगी। हाँ,
वी एल डी ओ इन पे कब आएगा, जब कॉइल पे सप्लाई बन जाएगा। तो वी एल डी ओ इन के लिए क्या लिख सकते हैं आप कि पावर सप्लाई इनपुट, मैंने बताया भी था, यहाँ पे लिखिए पावर सप्लाई इनपुट फॉर वीटीटी एलडीओ। वीटीटी एलडीओ मतलब जो ये एक्चुअली क्या है, स्विचिंग तो हुआ नहीं है इसके अंदर, तो ये एलडीओ ही कहलाएगा। स्विचिंग होता तो ये रेगुलेटेड सप्लाई कहलाता, लेकिन स्विचिंग नहीं हुआ है इसलिए एलडीओ ही सप्लाई कहलाएगा। वी एलडीओ इनके कहेंगे पावर सप्लाई इनपुट पिन फॉर वीटीटी एलडीओ, और इसके आगे लिख दीजिएगा कि कनेक्टेड टू वीडीडी क्यू। अब इसके बाद है पिन नंबर थ्री। पिन नंबर थ्री क्या है, पिन नंबर थ्री है वीटीटी। तो इसको इसको लिखिए कि ये आउटपुट पिन है। यहाँ पे कितना वोल्ट मिलेगा कि जितना वीडीडी क्यू का वोल्टेज होगा उसके आधा इस पिन पे आपको वोल्टेज मिलेंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर में क्या है, वीटीटी ग्राउंड। तो आपको मैं पहले ही बताया था दो रेगुलेटर इसके अंदर लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर दो रेगुलेटर लगा हुआ है या दो टाइप का सेक्शन इसके अंदर वर्क कर रहा है तो दोनों के लिए अलग अलग वीसीसी चाहिए और अलग अलग ग्राउंड चाहिए। ये ग्राउंड किसके लिए है, कौन से सेक्शन के लिए, जो वीटीटी का जो आउटपुट निकाल रहा है, जो सेक्शन वीटीटी आउटपुट निकाल रहा है, मतलब यहाँ पे वी एलडीओ इन लिया तो उसकी वीसीसी हो गई, तो उसके अगेंस्ट में ग्राउंड है वीटीटी ग्राउंड। इसका ये ग्राउंड अलग है एक, लेकिन ये ग्राउंड अलग है, इसके अंदर दो ग्राउंड है और दोनों ग्राउंड अलग अलग है। ओके, नंबर फोर पे हो गया। पिन नंबर फाइव, पिन नंबर फाइव क्या है, पिन नंबर फाइव है आउटपुट पिन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पिन नंबर फाइव आउटपुट पिन, क्या कि बफर वीटीटी रेफरेंस आउटपुट। बस इतना आपको याद रखना है कि वीटीटी रेफरेंस पे भी उतना ही वोल्टेज आएगा जितना वीटीटी के ऊपर आएगा। अब क्या है पिन नंबर सिक्स, पिन नंबर सिक्स क्या है, बी रेफरेंस। तो इसका भी लिखिए कि रेफरेंस आउटपुट पिन, लेकिन ये होगा 1.8 वोल्ट। पिन नंबर सेवन में क्या है, ग्राउंड पिन नंबर सेवन है ग्राउंड। पिन नंबर एट क्या है, रेफरेंस इन। इसी के माध्यम से जो रेफरेंस पिन है इसके माध्यम से आप इसके आउटपुट को भी घटा बढ़ा सकते हैं। रेफरेंस इन के ऊपर कितना वोल्ट आएगा, वोल्टेज डिवाइडर के अनुसार। हाँ अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवाइडर। ठीक है, पिन नंबर नाइन, पिन नंबर नाइन क्या है, पिन नंबर नाइन है वीडीडी क्यू एस एन एस, यानी कि ये जो रेगुलेटर की सप्लाई बनी है ये सही है या गलत है उसका फीडबैक पिन है। उसके बाद टेन नंबर, टेन नंबर ग्राउंड है, किसके लिए, मॉस्फेट का ग्राउंड है। इसमें देखिए इसमें अलग अलग बहुत सारे ग्राउंड पिन आपको इसमें आ गए हैं। एक ग्राउंड अलग है सर्किट के लिए, अलग ग्राउंड है बीटीटी के लिए, अलग ग्राउंड है, और यहाँ पे स्पेशली एक ग्राउंड है जो मॉस्फेट को सिर्फ ग्राउंड कर रहा है। ये जो है सिर्फ मॉस्फेट का ग्राउंड कर रहा है, पावर ग्राउंड। एलेवन में क्या है, ये है ड्राइव आर वी एल, यानी कि ये जो मॉस्फेट है लोअर मॉस्फेट उसके लिए ड्राइव है। 16 में क्या है, S5 सिग्नल इनपुट, और 17 में क्या है, S3 सिग्नल इनपुट। तो इसमें क्या होगा कि पहला सिग्नल आएगा तो पहला आएगा S5, अब S5 आएगा तो पहला वाला सप्लाई ऑन होगा, मतलब पहले वीडीडी क्यू बनेगा इसमें, और S3 आएगा तो वीटीटी बनेगा। 18 नंबर में क्या है, 18 नंबर में है ट्रिप। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ध्यान देना है कनेक्ट टू रजिस्टर ग्राउंड। ठीक, 18 और 19 को सिर्फ ग्राउंड चेक कर लेना है कि रजिस्टर लगा के ग्राउंड हुआ है कि नहीं हुआ है। 19 हो गया, और उसके बाद क्या है 20, 20 नंबर में क्या है, 20 नंबर में है आपको पावर गुड। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है जब वीडीटी की आउटपुट निकल जाएगा तो इस पावर गुड को हाई हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, टेबल में क्या है कि अगर S5 स्टेट में अगर आपका मदरबोर्ड है S5 में है या S4 में है, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में अगर है S5 में हो या S4 में हो, तो और अगर S3 लो है और S5 भी लो है, S3 और S5 मतलब कुछ उसका इनेबल पिन है S3 और S5,
ये दोनों लो है तो आपका जो भी रेफरेंस है वो भी नहीं निकलेगा, बीटीटी क्यू भी नहीं निकलेगा, बीटीटी रेफरेंस भी नहीं निकलेगा और बीटीटी जो है वो भी नहीं निकलेगा, इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। दूसरा स्टेट में होगा कि जब वो एस थ्री स्टेट में आपका मदरबोर्ड पहुंच जाएगा कि यहाँ पे जब आ गया मतलब यहाँ पे इनेबल आ गया हाई लॉजिक, तो जैसे ही इनेबल आएगा तो क्या हो जाएगा कि भी रेफरेंस आपका ऑन हो जाएगा, बीटीटी क्यू भी ऑन हो जाएगा, बीटीटी रेफरेंस भी ऑन हो जाएगा, लेकिन बीटीटी नहीं बनेगा। तो एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा आप कंसिडर कर सकते हैं कि बीटीटी रेफरेंस को बनने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, इसका इनेबल का जरूरत नहीं है, बीटीटी रेफरेंस खुद ही बन जाएगा विदाउट इनेबल। कि जैसे ही ये इनेबल आएगा, एक इनेबल पहला इनेबल जब आएगा तो पहला इनेबल आने के बाद भी रेफरेंस और बीटीटी रेफरेंस ये दोनों बन जाएंगे। और तीसरा में क्या होगा कि जब दोनों हाई हो जाएंगे मतलब एस फाइव वाला भी हाई हो गया और एस थ्री वाला भी हाई हो गया तो जाकर के तीनों बनेगा। तो तीनों में कौन एक्स्ट्रा बना, ये बचा एक्स्ट्रा क्या बीटीटी। तो इनेबल ये जो बीटीटी बनने के लिए ये इनेबल की रिक्वायरमेंट है, एस थ्री का इनेबल आएगा तो ही बीटीटी बनेगा और एस थ्री का इनेबल नहीं आएगा तो बीटीटी नहीं बनेगा। ठीक है, ये आईसी है। अब इस आईसी को जो भी मैंने अभी आपको बताया, जो अभी आपको मैंने लिखाया है उसके अकॉर्डिंग अब आप लोग बताइए कि इस आईसी के किस किस पिन पे कैसे कैसे वोल्टेज को आप चेक करेंगे। फर्स्ट पिन नंबर 12 5 वोल्ट और लेस। हाँ, फर्स्ट में चेक करेंगे पिन नंबर 12 फर्स्ट। ओके, सेकंड ग्राउंड। सेकंड ग्राउंड, अब देखिए ग्राउंड इसमें बहुत सारे हैं तो सारे ग्राउंड को आप एक ही बार में चेक कर लीजिए। ठीक है, सेकंड में ग्राउंड, जितने भी ग्राउंड है सबको चेक कर लीजिए। थर्ड नंबर में क्या करेंगे? पिन नंबर 16 S5। हाँ, पिन नंबर 16 S5। ठीक है, इसके क्या आगे क्या होगा, पहले रेफरेंस बनेगा, पहले रेफरेंस बनेगा। तो रेफरेंस में कौन सा रेफरेंस है? वी रेफरेंस। वी रेफरेंस पहले बनेगा, वी रेफरेंस, वी रेफरेंस। ठीक है, और वी रेफरेंस बनेगा तो वी रेफरेंस इन भी हो जाएगा साथ में, पहले वी रेफरेंस उसके बाद वी रेफरेंस इन। उसके बाद क्या होगा कि जब वी रेफरेंस इन होगा तो ही इसका इंटरनल स्विचिंग स्टार्ट होगा। स्विचिंग करने का सारा प्रोसेस हम है कि पहले बूस्ट एक्टिव होगा, लो ड्राइव होंगे, हाई ड्राइव होगा और यहाँ पे फिर आपको सप्लाई मिल जाएगी। यहाँ पे क्या कितना सप्लाई मिलेगा? 1.35। इसके बाद होगा वीडीडी क्यू सेंस। इसके बाद क्या होगा कि जब यहाँ पे सेंस होगा तो इसके साथ साथ ये वाला सप्लाई जो है यहाँ पे भी देखा हुआ है और सेम वर्ड यहाँ पे भी इस्तेमाल किया हुआ है, इसका मतलब कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको ये चेक कर लेना है कि हाँ यहाँ पे सप्लाई बनी कि नहीं बनी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद पावर ग्रिड के ऊपर आपको हाई लॉजिक मिल जाएगा। हाई लॉजिक मिलेगा मतलब ये इंटरनल ओपन ड्रेन हो जाएगा और ये जो ऑलवेज की सप्लाई है यहाँ पे आके 3.3 वोल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। पावर ग्रिड रिलीज होने का मतलब कि रेगुलेटर 100% वर्क कर गया। अब बारी आ गई दूसरे का, तो दूसरा का तो आपने VCC तो दे ही दिया है, तो बचा क्या? इनेबल। तो बचा इनेबल, तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी इनेबल को डिमांड कीजिए तो 10 नंबर में इसका इनेबल आएगा, लेकिन S3 आने के बाद सिर्फ एक ही सप्लाई बनेगी, वो बनेगा VTT। 11 नंबर पे VTT और VTT बनेगा तो VTT का फीडबैक भी मिलेगा, तो यानी कि इसको 12 नंबर पे बोल सकते हैं फीडबैक। तो जाकर के आपका ये पूरा 100% क्लियर हो गया।